असलकम नाजरीन सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हों कैलेंडर पर आज तारीख है छः जमुरा अंग्रेज़ी तारीख दस जनवरी है अपने मेज़बान राही हिजाजी से आलमी ख़बरें सुनिए ख़वान पर्दा करें तालिबान की मजहबी पुलिस ने काबुल में पोस्टर लगाए अफगानिस्तान के हुकूमत काबुल में मजहबी पुलिस ने ऐसे पोस्टर्स आवेज़ा किए हैं जिन पर खवीन के लिए पर्दा करने के अहकाम दर्ज हैं रवा हफ्ते कैफे और दुकानों पर अफगानिस्तान की मौजूदा सरकार की वजारत बरए अमर बिल्माफो नाहनिल मुनकर की जानब से पोस्टर आवेज़ा किए गए जिनमें खात के चेहरे को ढांपने वाले बुरके की तस्वीर भी शामिल है इसी वजारत के तर्जमानाद आकफ महाजिर ने खबर रस्ा इदारे एफ पी को जुमे को तस्दीक की

करती हैं कि हम मर्दों से अपने चेहरे ढांपा करती थी सादिफ महाजर का मजीद कहना था कि अगर कोई अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बयान करदा इनकाम पर अमल नहीं करता तो इसका यह मतलब नहीं कि उस खातून को सजा दी जाएगी या मारा जाएगा उनके बकौल ये सिर्फ खवतन की हौसला अफजाई के लिए है कि वह शरीय के कवानीन की पाबंदी करें उधर दूसरी जानब लिबरल मगरब नवाज और बेअमल मुसलमानों में इस शरी हुक्म से थरथली मच गई है ऐसी ही एक मगरब नवाज इंसानी हक़ के कारकुन और यूनिवर्सिटी की बेपर्दा मुसलमान तालिबा जो अपनी शनाख्त जाहिर नहीं करना चाहती उनका कहना था कि तालिबान लोगों में खौफ पैदा करना चाहते हैं मगरब नवाज तालिबा का ये भी कहना था कि जब उन्होंने सबसे पहले ये पोस्टर देखा तो वह बहुत खौफ जदा हुई उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि तालिबान उन्हें जद वकौफ़ करना शुरू कर दें बेपर्दा व बेमल तालबा का मजीद कहना था कि तालिबान चाहते हैं कि वो बुरा पहनें लेकिन वो बुरा नहीं पहनेंगी अफगान हुकाम और ईरानी हुकाम के दरमियान मौजूदा मसाइल पर तबादले ख्याल इतवार को हुकाम ने बताया कि अफगानिस्तान की मौजूदा सरकार के वफ़द ने ईरानी हुकाम से तजारती अमूर पर मुलाकातें की काय मकाम वजी खारजा खान मुतकी ने तालिबान के नायब तर्जमान बिलाल करीमी की जानब से ट्वीट की गई एक ऑडियो रिकॉर्डिंग में कहा कि इमारत इस्लामी या तमाम ममालिक के साथ अच्छे तल्लु चाहती है ईरान के साथ अपने तजारती और राहदारी तल्ल को वसा देना चाहती है और कहा कि ईरान उनके साथ तजारत कर सकता है मुला अमीर खान ने और अफगानिस्तान की मौजूदा के बारे में बातचीत के साथ साथ उमूर और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर भी बातचीत की गई अफगानिस्तान चेम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड माइन्स के एग्जीटिव डायरेक्टर सखी अहमद पैमान ने कहा कि उन्होंने ईरानी हुकाम से ईंधन की खरीदारी के बारे में भी बात की है और तेहरान ने अफगानिस्तान को आला मैार का ईंधन सस्ते दामों फरोख्त करने का वादा किया है उन्होंने कहा कि माजी में मौजूद चैलेंजेस चार बहा बंदरगाह और ईरान से मुनासिब कीमत पर ईंधन खरीदने पर भी बातचीत की गई दरियासना काबुल में तालिबान की वजारत खारजा के जराये ने बताया कि वजारत ने ईरान पाकिस्तान उजबेकिस्तान तुर्कमानिस्तान कजाकिस्तान और चीन में अफगानिस्तान के सिफारतखानों में

मुतद सयाहों की जानब से मरीम होटल मालकान पर शदीद बर्फ़ानी तूफान के दौरान किराया और खाने पीने की अशिया की कीमतों में हौशरुबा इजाफ़ा करने का इल्ज़ आयद किया गया है जिसके बाईस खवतानी और बच्चों समेत बाईस अफरा गाड़ियों में फंसे हुए जाँबाक हो गए थे रेस्क्यू ग्यारह बाईस के डिविजनल इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर रहमान जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन की सरबराही कर रहे हैं उन्होंने बताया कि अब तक बाईस लाशें निकाली जा चुकी हैं जिनमें दस मर्द दो खातन चार लड़के और छह लड़कियां शामिल हैं सोशल मीडिया पर शेयर की गई वीडियो में गाड़ियों को बंपर टू बंपर दिखाया गया है जिनकी छतों पर एक मीटर ऊंचे बर्फ के ढेर हैं वीडियो में बच्चों समेत पूरे खानदान को बर्फ से ढकी गाड़ियों में मुर्दा पड़े दिखाया गया सयाहों के मुताबिक मरी में होटल मालकान ने फी कमरा किराया छह हजार रुपए से बढ़ाकर सत्तर हजार रुपए कर दिया जिससे गाड़ियों में खुराक की आसमान को छू कि रही थी खासतौर पर शदीद मौसमी हालात के दौरान सयाहों ने इल्जाम लगाया कि साठ रुपये की चाय का कप पांच सौ रुपए में फरोख्त हुआ जबकि उबला हुआ अंडा ढाई सौ रुपए में फरोख्त हुआ उन्होंने मजदूद कहा कि इतनी ज्यादा कीमतों और होटल मालकान की मनाफ़ खोरी की वजह से लोगों के पास अपनी कारों में सोने के सिवा कोई चारा नहीं था जिसकी वजह से बीस से जायद अफरा जां बहक हो हाँ गए एक निजी मीडिया आउटलेट ने इतला दी है कि बर्फबारी से सड़कें बंद होने के बाद कुछ खानदानों ने दो से तीन रातें अपनी गाड़ियों में गुजारी और वो होटल में क्याम के मुतहमल नहीं हो सकी दूसरी जानब होटल मालकान ने इन दावों को मुस्तरद किया है वाज रहे कि मंगल की रात शुरू होने वाली बर्फबारी और वक्षे वक्षे से जारी रही, जिसने हजारों को अपनी तरफ किया। आने वालों की बड़ी तादाद की वजह से कई खानदान सड़कों पर फंस कर रह गए तुर्कमानिस्तान के सदर ने जहन्नम का दरवाजा बंद करने का हुक्म दे दिया तुर्कमानस्तान के सदर कुरबान अली बर्दी मोहम्मदूफ ने मुल्क में वाक़ जहन्नम का दरवाज़ा बंद करने का हुक्म दे दिया है जहाँ गुजशत पचास बरस से लगी हुई आग आज तक न बुझाई जा सकी तफसीत के मुताबिक तुर्कमानिस्तान हुकूमत ने पचास साल से खुला हुआ जहन्नम का दरवाज़ा बंद करने का फ़ैसला कर लिया सदर कुली बर्दी मोहम्मदूफ ने माहरीन को कराकम सहरा के वस्त में जहन्नम का दरवाज़ा नामी गढ़े में लगी आग बुझाने के लिए रास्ता निकालने का हुक्म दे दिया सदर ने कहा कि तुर्कमानिस्तान में जखायर को नुकसान पहुँच रहा है जिन जराए से आमदनी हासिल होने के इम्कान थे वो ज़ाय हो रहे हैं मुमकिन आमदनी से तुर्कमान कौम की जिंदगी बदली जा सकती है जहन्नम का दरवाजा नामी गढ़ा फलूदगी का बाइस है उन्होंने कहा कि माहरीन इस गढ़े में पचास साल से लगी आग बुझाएं ताकि माहौल की बेहतरी की सूरत निकाली जा सके वाज रहे कि उन्नीस सौ इकहत्तर में बनाए गए जहन्नम का दरवाज़ा नामी गढ़े में लगने वाली आग बुझाने की मुत्द कोशिशें नाकाम साबित हुई हैं गुज्त पचास साल से सत्तर मीटर चौड़ाई और बीस मीटर गहराई के हामिल गढ़े में लगी हुई आग से बड़े पैमाने पर दर्ज हरारत में तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं हर साल सयाहों की बड़ी तादाद जहन्नम का दरवाज़ा नामी गढ़े को देखने के लिए जोक दर जोक तुर्कमानिस्तान पहुंच जाती है सऊदी अरब में अरब मौसीकी का इंस्टीट्यूट कायम किया जाएगा सऊदी अरब में म्यूज़िक के टैलेंट की तरबियत के लिए सऊदी अरब का म्यूज़िक कमीशन एक इंस्टीट्यूट कायम कर रहा है अरब न्यूज़ के मुताबिक बेतलुद मौसीों के लिए सीखने का एक मरक़ होगा जहां अरब मौसीकी के रिवायती आलत बजाने की तरबियत और ख़े के म्यूज़िक कल्चर के फ़रोग में इन आलत के किरदार के बारे में तालीम दी जाएगी सऊदी म्यूज़िक कमीशन इस सेंटर को दुनिया में एक तस्लीम शुदा इंस्टीट्यूट बनाने का आज़म रखता है जिसके ज़रिए अरब आलाते मौसीकी और ख़ास तौर पर ऊद के बारे में आगाही फैलाई जा सकेगी और अरब मौसी को महफूज रखा जा सकेगा जाता है जिसके जरिए मौसी मुख्त धुने तख्लीक करते हैं हालिया आरसे में सऊदी अरब ऊद बजाने वालों समेत बासलात मौसीकारों और गवैयों का मरकज बन गया है उद बजाने वाले एक फनकार इबादीर को सऊदी अरब में मौसी के शायक बेपना मोहब्बत से सुनते हैं अरब न्यूज़ के मुताबिक के साथ साथ सलामा और अबू बकर सलीम भी ऐसे मौसीकार हैं जिनके ऊद बजाने के फ़न को देखते हुए नौजवान सऊदी शहरी मौसी की जानब रागब हो रहे हैं वाज है कि सऊदी अरब में विज़न दो हज़ार तीस के तहत इस्लामी और शरी तलीमत से क़ता नज़र कई माशी और समाजी तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं और अकीद तोहेद का वाहि ठेकेदार बनकर सलफ साले के इस्लाम को सऊदी थुल थुलथुले इस्लाम की तरफ ले जाया जा रहा है कोरोना केसेस में इजाफा रोज़ रसूल पर हाजिरी के इजाजत नामे मर्दों तक महदूद सऊदी अरब से मौसू इतलात में वज़ारत हज उमरे के हवाले से बताया गया है नबवी में की मस्जिद नबी में रोज़ रसूल सल्लाम की ज़िरात मर्दों तक महदूद कर दी गई है वजारत हज उमरे के हवाले से रोजनामा उकाज ने बताया की रोज़ रसूल के लिए हाज़री और रोज़ शरीफा में नमाज का इजाजत नामा मर्दों के लिए एक माह में सिर्फ एक बार ही हासिल किया जा सकता है अगला इजाजतनामा तीस रोज बाद जारी होगा इससे कबल नहीं वजारत ने कहा नबी में फर्ज नमाजों का तो इजाजत नामा हासिल करने की जरूरत नहीं अलब रोज़ शरीफा में नमाज और सौत सलाम पेश करने के लिए रोज़ रसूल पर हाजिरी के लिए मर्दों को ए तमरना ऐप के जरिए इजाजत लेना जरूरी है वजारत ने ताकीद की है कि तमरना ऐप के जरिए ही इजाजत हासिल किया जा सकेगा उम्मीदवार के लिए जरूरी है कि वह एप सिस्टम में अपने कवाइफ अपडेट किए हुए हो और तवक्कलना ऐप में सेहत की हालत मोहसिन दर्ज हो इसके साथ ही खबरों का अख्तितम हुआ वीडियो को आखिर तक मुलाहजा फरमाने पर शुक्रिया मिलते हैं शाम सात बजे इंडिया की खबरों वाली अगली वीडियो में और अगर आप सात बजे के बाद ये वीडियो देख रहे हों तो वो वीडियो आपकी स्क्रीन पर नमदार हो रही होगी थंबनेल पर टच कर आज की इंडिया की खबरें भी सुन सकते हैं अपने मेजबान राही हिजाजी को अब दीजिए इजाज़त सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हों